आज मैं आया हूँ हरियाणा राज्य के जिला फरीदाबाद के गांव मोहताबाद के पहाड़ों के बीच में बने झरना मंदिर। इस मंदिर के रहस्य और सुंदरता को देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। अरावली की पहाड़ियों में स्थित यह मंदिर लोगों को अपनी ओर तेजी से आकर्षित करता है। शायद इसीलिए कोई भी यहाँ एक बार आता है तो उसका मन बार बार इस जगह आने को करता है। और साथ ही साथ में मैं आपको इस ब्लॉग में अवगत कराऊंगा इस मंदिर के रहस्यों के बारे में। यहाँ पहाड़ों के बीच में बने झरने को देख अक्सर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। झरने से निकलने वाले 3 कुंड हैं यहाँ पर और लोगों का कहना है कि इस कुंड में नहाने के बाद सारे कुष्ठ और त्वचा के रोग खत्म हो जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ भगवान शिव की वो मूर्ति है जो दुनिया में केवल 5 जगहों पर है। दूर दूर से लोग इस मूर्ति को देखने के लिए आते हैं और ये कहा जाता है कि इस मूर्ति को दर्शन करने के बाद हृदय में शांति होती है और उत्साह बढ़ता है। अब समय आ गया है इस मंदिर के सबसे बड़े रहस्य को उजागर करने का। यहाँ पर एक भारी भरकम पत्थर आधा हवा में ठहरा हुआ है, वो भी बिना किसी सहायता के। इस पत्थर को कहा जाता है अधरचला। यहाँ पर अक्सर लोग आते हैं और उस पत्थर के चारों तरफ से धागा निकालने की कोशिश करते हैं और धागा आसानी से इस पत्थर के चारों ओर से निकल भी जाता है। इसका अर्थ यह है कि ये पत्थर बिना किसी सहायता के हवा में ठहरा हुआ है। इसके पीछे की कहानी ये है कि ये जो जगह है यहाँ पे काफ़ी तपस्वी आया करते थे तपस्या करने के लिए। तो कहानी ये है कि यहाँ पर एक बार एक ऋषि जिनका नाम था उद्यालक मुनि, वे तपस्या कर रहे थे तभी भूकंप आता है और आसपास के सभी पत्थर हिलने लगते हैं और एक पत्थर ऋषि के ऊपर गिरने वाला होता है। बट ऋषि अपना हाथ हवा में उठाकर पत्थर को वहीं रोक देते हैं। वो पत्थर आज भी अपनी जगह पर वैसा ही है जैसे कई सालों पहले था। ये पत्थर कहीं पर भी जुड़ा हुआ नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको इस ब्लॉग में दूंगा इस जगह के बारे में पूरी जानकारी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। और जो भी न्यू व्यूअर्स पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो करते हैं आज के सफर का आगाज। ये जो एकमुखी शिवलिंग है ना, ये एकमुखी शिवलिंग, ये यही मूर्ति निकली थी। ये बताते हैं, हम तो सुनते आ रहे हैं कि ये भगवान कृष्ण के पोत्र ऋषि वज्रनाभ, उनकी स्थापना की हुई है। तो ये प्राचीन मूर्ति है, ये गिनी चुनी मूर्ति है। एक कोई साउथ में बताते हैं, दिल्ली में मेरे ख्याल किसी संग्रहालय में एक मूर्ति ऐसी रखी है कहीं। इन मूर्तियों के बारे में आपको किसी को जल्दी से नॉलेज नहीं है क्या चीज़ है। इसमें ओम और त्रिशूल के निशान ऑटोमेटिक बने हुए हैं कुदरती पूरी प्रणाली में, जो कि देखो आप कहीं से देखोगे तो कहीं से देखोगे भाई वो लिखा पड़ेगा आपको। वो गोद नहीं रखे, कुदरती ही बने हुए हैं, कुदरती नहीं नजर आ रहे हैं आपको, ध्यान से देखो। तो आ रहे नजर आ रहे हैं, आ रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये चीज़ तो अलग है, ये महात्मा की जगह है। ये जो है, आइए बेटे, ये है अधरशिला हवा में पत्थर। ये थोड़ा नीचे होगा, ये जो शिला है ये अधर है, ये हवा में कुछ सब कुछ सहारा हम तो कहते हैं भगवान के लिए। ये धुना है, भगवत बाबा की है, धुना चेतन रहता है भगवत इसी जाती। आप इसको अपनी नज़र से ध्यान से देखिए, है कहाँ से रुक रही है, कहाँ से कट रही है, कहाँ से क्या करें, पढ़े लिखे हो आप अपनी आँखों से ही इसको देखो। संतों की जगह है इनकी, भैया परीक्षा तो ये ली जाती है, हम कौन परीक्षा लेने वाले हैं, कौन क्या है, हमें चीटी के बराबर भी नहीं है। इनकी हजारों किलो वेट का पत्थर है, टनों के हिसाब से वजन है, कोई हल्की चीज थोड़ी है।
और गाइस ये जो आपको पत्थर दिखा रहे हैं एक्चुअली मैं लोगों ने धागा डाल के भी चेक किया हुआ है और ये जो पूरी आधारशिला जो भैया आ रहे थे ये हवा में लटकी हुई है, आधारशिला कहते हैं इसको। इधर से आप इधर से दिखाओ चिपले पत्थर को, आधारशिला दोनों के हिसाब से वजन है इसके अंदर, ऊपर तक घूम जाओ ऊपर साइड से देख रहे हो आप, ऊपर भी देख रहे हो पत्थर छोटे छोटे लगे उड़े हैं ऊपर से, लीला क्या है इतना भारी भरकम पत्थर किस वजह से रुक रहा है, कुछ सर कुछ सर के बालू खेल नहीं है ये तपोस्थल, महात्मा यहाँ पर जब सुन कर आ रहे भजन कर रहे थे अपने सिंधा बैठे थे अपने कुछ भी घंटे पे बैठे थे तो पहाड़ जैसे हलचल हुआ ना, गिरने लगा तो ऊपर जो है वो लगा दिया, उन्होंने अपने हाथ का इशारा किया पत्थर यहीं रुक गया, रुक गया तब से पत्थर यूँ ही बताते हैं कैसे रुका हुआ है। तो दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे मिले हैं स्वामी रामदास जी, ये एक स्वामी है यहाँ पे और पूरा टेक केयर करते हैं और उन्होंने अभी हमें चाय ऑफर करी है तो चाय का भी हम लुत्फ उठा रहे हैं। तो काफी खूबसूरत मंदिर है ये, झरने वाला मंदिर। तो स्वामी जी कुछ बताएंगे आप इस मंदिर के बारे में? बताएंगे, ये हमारे जो महाराज जी की मूर्ति है ये बहुत पुरानी 50-100 साल होगी, इन्हें 50-40-1 साल तो इन्हें शरीर छोड़े होगी है, 50-40 साल इन्हें है तपस्या भी करी महाराज जी ने, और बहुत ऊंची चीज ही महाराज जी जो हमारे बहुत ऊंची चीज ही, वो बहुत दूर दूर की पब्लिक आवे और यह झरना में नहाए के जामे दाद खाज खुजली सब ठीक ठाक हो जाए और छोटी मोटी बीमारी वह भी खत्म हो जाए, कोई कमावे सिकाई के रह जाए, कोई झाड़ू भी लगवा ले जाए, कोई गंडा भी ले जाए, भभूत भी ले जाए, फायदा सबके ही हो, और भंडारा डेली चलता है 100-200 का प्रसाद डेली चलता है, साधु संत आओ भगत जगत आओ 100-200 उनको डेली का चलेगा प्रसाद, 10-20 गाय हमारी वो फ्री रहती हैं, कोई भी थकना रही सब मोटी मिलेंगी, पर सब घूम रही हैं, 500 बंदर हैं। और स्वामी जी मैं आपकी तारीफ करूंगा कि चाय जो आपने पिलाई है बहुत ही अच्छी चाय है, बाबा की कृपा हमारी कहा है, काफी अच्छा स्वाद आ रहा है चाय के अंदर। और जो जिन बाबा के बारे में स्वामी जी बता रहे हैं वो है बाबा घनश्याम दास जी। हाँ घनश्याम दास जी, तो अभी हम आपको दिखाते हैं इस मंदिर का पूरा ओवरव्यू, इनका नाम है, इनका काफी नाम है इस जगह के ऊपर, तो आप यहाँ पे आइए, बहुत ही खूबसूरत जगह है, झरने वाला मंदिर है, यहाँ पे झरना भी बहता है स्वामी जी ने बताया है, और यहाँ पे कुछ कुंड भी हैं, तो मान्यता ये है कि अगर आप उन कुंड के अंदर स्नान करते हो नहाते हैं तो आपको जितने भी त्वचा के रोग हैं कुष्ठ रोग हैं आपके सारे दूर हो जाएंगे। वैसे 1500 की उम्र है और इसमें जल भी नहीं लगता मगर चलता रहता है, सूखा हुआ बिल्कुल पशु पेड़ बोले आते, ये खरुआ में काम आवे, जैसे मेबूदी पामन में खरुआ हो जाए ना उनमें काम आवे ये दवाई में, और यू है परे कुआ को हवा का पेड़ है वाको का नाम बताओ इंदर जो को, ये इंदर जो जो हमन में काम आता है, इसकी उम्र काफ़ी है, ये सूखा हुआ पेड़ है देखो, ये सूखा पेड़ है ये फूट रहा है, ठीक है ये बाबा की कृपा है सभी, और ये बजरंग बली है ये पहाड़, ये बजरंग बली कृपा दे रोके परे सब सब देख लियो, हाँ देव हाथ देख ले भीतर गोपा है कि अरे गोपा दिखा के लाऊं We'll be right back.
तेल तेल सा दिख रहा ना आपको सामने, ये यहाँ पर शिलाजीत है और यहाँ पर एक हनुमान जी की प्राकृतिक बनावट एक छवि है, कम से कम 10-12 फुट की ऊंची लंबी खड़ी, ऐसे गदा लेके खड़े हैं हनुमान जी। हर एक किसी को दर्शन नहीं होते, बहुत अच्छे आत्मा माँ बाप के घर से बाकी हो तो देखो दर्शन हो रहे होंगे, नहीं हो रहे होंगे तो फिर मैं बताऊँगा। हाँ बहुत आवाज़ नहीं, बहुत बड़ी तस्वीर है, दूर से आधी किलोमीटर दूर से दिखाई देती है। ना जी कहते किसी संत महात्मा को भी दर्शन नहीं होंगे, जोर करते रहो दिखते हैं तो छोटे से बच्चे को दर्शन हो जाते हैं। हाँ हनुमान जी की तस्वीर है, देखो आप अपनी आंखों से देखो और जब मेरे को बताओ। बहुत बढ़िया, तो दोबारा यहाँ पे आएंगे? हाँ, यहाँ पे क्या फील करेंगे? आना चाहिए लोगों को? हाँ, लोगों को आना चाहिए। आप पहली बार आए हो आते रहते हो यहाँ पे? यहाँ 2-3 बार आए हैं बस। आपको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। तो ये बताओ कि सबसे बढ़िया सीजन कौन सा है यहाँ पे आने का? जब वाटरफॉल में पानी रहता हो यहाँ जून में। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल नीचे से मैं ऊपर चढ़ के आया हूँ मंदिर के बिल्कुल एंड में, हाइकिंग पॉइंट है, ऊपर काफ़ी स्टीप चढ़ाई थी, अरावली की पहाड़ियाँ हैं ये, तो काफ़ी इसमें मज़ा आया, काफ़ी पसीने आ चुके हैं बट ऊपर पहुँच के सारी थकान दूर हो गई है। अब थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, और जो भी न्यू व्यूअर्स पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो बहुत जल्दी मिलते हैं हम आपसे एक नई जगह पे एक नए ब्लॉग के साथ, तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए आप ड्रोन ट्रैवलर्स, गुड बाय।